नदी देखो भाई पूरी भरी हुई है एकदम, पूरा पानी का लेवल एकदम ऊपर तक आ गया है भाई। बारिश हो रही है ना 2 दिन से, दबा के बारिश हो रही है। इन्हें पूरा उसको छुआ दिया हो भाई, पूरा अनकम्फर्टेबल हो गया बेचारा। थोड़ा सा गैप भी नहीं रखते लोग, देखो तो सही एकदम चिपके चिपके खड़े हैं। मौसम देखो भाई कितना शानदार है, कितना बढ़िया दिख रहा है, मतलब फुल एकदम, मतलब बारिश जैसा हो रहा है। लेकिन मतलब यहाँ पे 2-3 दिन से बारिश हो रही है कॉन्स्टेंट, बस आज ही थोड़ा सा ये मतलब नहीं हो रही है अभी इस टाइम पे। देखो मैंने रेनकोट तो पहना ही है, मैं 3 दिन से रोज रेनकोट पहन के ही जा रहा हूँ। पूरे ग्रीनरी ग्रीनरी, पूरे पेड़ हरे हरे हो गए। सो आज का अपना टॉपिक है रॉन्ग साइड ड्राइविंग। सो बहुत सारे लोग ना रॉन्ग साइड में बहुत ड्राइव करते हैं, रॉन्ग साइड के ड्राइव की वजह से अभी ऐसे ऐसे वीडियो आए ना भाई। मतलब एक छोटी सी, मतलब एक छोटा सा थोड़ा टाइम बचाने के लिए और किलोमीटर बचाने के लिए लोग रॉन्ग साइड का यूज़ करते हैं एंड दे एंडेड अप विथ लाइफ लॉस। देखो ये जो एक्टिव वाले जो भाई आ रहे हैं ना, रॉन्ग साइड से या इधर ये ब्रिज उतर के आगे से घूम के ना आना पड़े ना, इसलिए देखो ये भी, देखो ये भी रॉन्ग साइड में आ रहा है। ये देखो है, ये भी रॉन्ग साइड में आ रहा है। तो ये ब्रिज उतरने के बाद घूम के ना आना पड़े ना, इधर अंदर की साइड जाना हो तो मतलब पूरा ये रॉन्ग साइड का इस्तेमाल करते हैं। एंड यहाँ पे कभी कभी बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पीपल। आर्मी वाले भाई साहब है, वो एक भाई को रोड पे पीट रहे इन द सेंस, मतलब उन्होंने उनको मारा थोड़ा सा। अब क्यों मारा, पहले आप वीडियो देखो फिर उसके बाद अपने बात करते हैं। सो ये वीडियो पता नहीं कहाँ का है, बट आप जैसे देखोगे ना ये सिग्नल खुला है, तो अब ये गाड़ी अपनी लाइन में ही जा रही है और सामने साइड पे सिग्नल बंद हो गया है तो लोग रुकने लगे हैं। अब ये भाई देखो जल्दबाजी के बहाने आ गए रॉन्ग साइड में। अभी रॉन्ग साइड में आ तो गया भाई, ऊपर से गाड़ी वाले को बता रहा है कि साइड में चले जाओ, साइड से चला। देखो एक बार उसने इशारा कर रहा है हाथ से, आई थिंक नंबर प्लेट से लग रहा है कर्नाटक का या कहीं का लग रहा है। और देखो फिर से हाथ बता रहा है, बोले साइड से चले जाओ, साइड से चले जाओ। लेकिन गाड़ी वाला भाई मतलब वो उसको नहीं अच्छा लगा होगा तो वो रुक गया उसके आगे ही, और उसको बोल रहा है कि रुकने के लिए। तो ये भाई देखो अपना पैर वहाँ डिवाइडर पर लगाया और खड़े रह गए। उसी दौरान पीछे देख रहे हो आर्मी वाला ट्रक खड़ा है, तो आर्मी वाले ट्रक में से देखो ड्राइवर भाई साहब बाहर निकल के आए। और ड्राइवर भाई साहब बाहर निकल के आते ही गुस्से में, मतलब वो भी देख ही रहे होंगे क्या चल रहा है यहाँ पे, तो आके देखो डायरेक्ट उनको लगाएंगे पीछे से। मतलब ज़्यादा जोर से नहीं मार रहे, हेलमेट पे ही थोड़ा सा ही मार रहे हैं उनको, मतलब समझाने के लिए कि दिख नहीं रहा है ऐसे गाड़ी खड़ी है सामने, उनको समझा ही रहे इतना प्यार से। बट भाई साहब को मतलब समझ में नहीं आ रहा, भाई साहब ऊपर से उनसे और आर्ग्यू कर रहे हैं, मतलब यहाँ से हटने की जगह पे वो उनसे भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। देखो बाइक में भी वो भाई है उनकी लेन में, वो भी उनको देख रहे हैं कब से। अब वो आर्मी वाले भाई को देखो आ गया गुस्सा। अब आर्मी वाले भाई जो है ना वो जाते हैं और जाके अंदर अपनी गाड़ी में से लेके आते एक लकड़ी छोटी सी मारने के लिए। बट फिर भी वो भाई देखो कितना मतलब एकदम ढीट है। और इसी दौरान ये ट्रैफिक की लेडी भी आ जाती है, ट्रैफिक पुलिस वाली लेडी, वो उसको समझाती है। उसके बाद तो क्या हुआ होगा वो तो नहीं पता है, भाई का चालान कटा है या इसको समझाया है क्या। अभी भी देखो आर्मी वाला भाई इसको हाथ उठा उठा के समझा रहा है, फिर भी वो भाई को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई एक और वीडियो देखो, ये सेम भाई ऐसे ही सिचुएशन वाला है। देखो लेन खुली है तो गाड़ी अपने हिसाब से जा रही है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑटो खड़े थे, अब ये ऑटो के पीछे से भाई जा रहे थे और से को सामने से आ रहे हैं अंकल रॉन्ग साइड में रवा रम राखे, अंकल सीधा आ जाते हैं और सो जाते हैं बोनेट पे। सो ये देखो ये मतलब ये रॉन्ग साइड का कितना डिसएडवांटेज है। अंकल ने थोड़ा सा बचाने के लिए यहाँ से निकला है, अब रिक्शा की वजह से उनको भी नहीं दिखा, अब गाड़ी वाले भाई को भी आप देख रहे हो पूरा ब्लाइंड स्पॉट है, उनको दिखाई नहीं। अब एकदम से बाइक वाले अंकल आए और अंकल की स्पीड भी काफ़ी अच्छी खासी है और गाड़ी की स्पीड देखो आपको यहाँ पे नीचे दिख रही है, 9, 5, 7 या 9 के आसपास थी गाड़ी की स्पीड। और अंकल देखो अब अभी अंकल ने हेलमेट भी नहीं पहना है। सो एक और डिसएडवांटेज है, ये तो इम्पैक्ट छोटा सा ही था, अगर ज़्यादा इम्पैक्ट होता ना भाई तो ज़्यादा हेड इंजरीज और बहुत कुछ हो सकता था, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये देखो गाड़ी में बिना मतलब का गाड़ी वाले को ये डेंट दे दिया। अभी एक और तीसरा वीडियो देखो, इसमें ऐसा कुछ एक्सीडेंट वैक्सीडेंट नहीं होता है, बट इसमें देखो ये गाड़ी वाला भाई भी उस पहले वाले वीडियो की तरह एकदम जीती है। और ये भाई ब्रिज के ऊपर रॉन्ग साइड आ रहा था तो मतलब इन्होंने रोका और गाड़ी में से इशारा किया होगा भाई मुड़ा लो, तो ये भाई ने अभी के लिए तो मुड़ा ली, बट ये भाई भी अपने बहुत कलाकार है। अभी आगे चल के थोड़ा सा आगे जाएंगे, अभी देखना यहाँ पे रोक देंगे ये देखने के लिए गाड़ी वाला पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन गाड़ी वाला भाई उनसे भी चतुर है, वो उसके पीछे पीछे ही लगा है। और भाई को मतलब इतना क्या चूल है रॉन्ग साइड जाने का भाई, ब्रिज की देखो देख रहे हो कितना लंबा चल के आया है खाली ब्रिज पे रॉन्ग साइड के लिए। सो ये बहुत सोचने का विषय है कि आपकी एक छोटी सी गलती कितने हद तक आपको ले जा सकती है ना, वो आपको नहीं पता है। अभी मैंने एक हेलमेट का भी रील रखा था, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे ना तो अभी देखो नीचे दिख रहा होगा इंस्टाग्राम का मेरा आईडी दिख रहा होगा,
सो वहाँ पे जाओ इंस्टाग्राम पे, अभी मैंने एक रील लगाई थी हाफ फेस हेलमेट के लिए, सो हाफ फेस हेलमेट के लिए मैंने एक रील लगाई थी। एक गाड़ी के नीचे वो हेलमेट आ जाता है तो गाड़ी हाफ फेस हेलमेट को पूरा कुचल देती है, और जबकि फुल फेस हेलमेट है ना वो काफ़ी हद तक बच जाता है, मतलब वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और गाड़ी ऊपर से चली जाती है लेकिन फुल फेस हेलमेट टूटता नहीं है। तो मेरा एक ये भी है, एक तो ये रॉन्ग साइड ड्राइव मत करो एंड फुल फेस हेलमेट पहनो। देखो मैं अभी सिटी में ऑफिस का यूज़ करता हूँ ना, मतलब ऑफिस कम्यूट करता हूँ ना, तब भी मैं अपना ये राइडिंग वाला मतलब ये हैवी DOT सर्टिफाइड और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेलमेट है ये, तो वो मैं यूज़ करता हूँ। बिना हेलमेट के मैं बहुत जल्दी राइड करता ही नहीं, मैं स्किप करता हूँ। तो एक ये चीज़ है कि एक छोटी चीज़ है ना, वो आपके हेलमेट का पैसा है ना, वो मतलब रोज़ नहीं होता है। लोगों को ऐसा होता है कि भाई क्या हेलमेट पहन के जाए, क्या रोज़ रोज़ हेलमेट पहन के जाए, कुछ नहीं होता सिटी में, वो सिर्फ़ एक ही दिन आता है। और अभी हमारा एक मतलब एक जान पहचान में एक ऐसा किस्सा भी बन गया है कि एक लेडी है ना उसके ऊपर वो मतलब टू व्हीलर से गिर गई और उसके ऊपर से ये जो ट्रक होता है ना मिट्टी वो सब लाने वाला कंस्ट्रक्शन साइट पे जो चलता है डंपर बोलते हैं उसको, सो वाला ट्रक है ना उनके ऊपर चढ़ी, वो जो गिरे ना उसमें मतलब डॉक्टर ने उसमें बोला कि पैर जा सकते, लेकर हेलमेट पहना होता ना तो इनका सर बच जाता और सर में इंजरीज नहीं आती। तो मेन मेजर उनकी डेथ हुई ना वो सर की इंजरीज की वजह से हुई है। 365 डेज में एक ही दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन आपके हेलमेट के पैसा वसूल हो जाएगा। तो हेलमेट लो, हेलमेट अच्छा लो, तो आपको रोज़ नहीं बचाएगा, एक ही दिन। अभी बहुत सारे लोग वो भी होता है कि भाई बाल बिगड़ जाते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे यार कब तक ये सब एक्सक्यूज़ करते रहोगे, जान नहीं नहीं बचेगी तो बालों का क्या करोगे, जान है तो जहान है। अभी से अभी अपने आदत बदलनी पड़ेगी क्योंकि आगे की जनरेशन तभी सीखेगी, नहीं तो अपने ये सब करेंगे तो आगे वाली जनरेशन तो समझो हाथ में नहीं रहेगी किसी के। सो भाई ये कुछ था अपना आज का सेम, इतना सही दिन है यार, ऊपर देखो फुल काला काला है, अपने घर की साइड तो एकदम ही काला काला है। ऐसा मन कर रहा है कि नहा के जाऊँ यार बारिश में, पर ये लैपटॉप यार लैपटॉप का झमेला नहीं होता ना तो मस्त नहा के जाता बारिश में, मज़ा आ जाता मज़ा। भले ना देखो कैसे पार्क की हुई है, मतलब ये थर्ड लेन की लाइन है उसके ऊपर गाड़ी पार्क है, समझ रहे हो, ये लोग डिजर्व करते हैं लॉक लगवाना। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, सो अभी अपने एक नया कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस आए और लोग हेलमेट पहने एंड रॉन्ग साइड ड्राइव ना करें। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे जो भी व्यूअर्स है दिल से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ सेफ ड्राइव करें, हेलमेट पहने एंड रॉन्ग साइड ड्राइव मत कीजिए। एंड ऐसे ही अपने नए नए और भी व्लॉग लाते रहेंगे आपके लिए, आपके अवेयरनेस के लिए। एक और टॉपिक है मेरे पास जो इसके बाद आगे चल के थोड़े व्लॉग के बाद फिर मैं डालूंगा, सो कंटिन्यू नहीं डालेंगे लोगों, क्योंकि बोर हो जाएंगे लोग, ऑलरेडी पढ़ाई करने में लोग ऐसे ही बोर फील करते हैं। सो ऐसे कॉन्स्टेंट में आपको ऐसे बोर नहीं करने वाला हूँ, बट कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लाने वाला हूँ विथ प्रूफ, जिससे क्या है आपको भी पता चलेगा। सो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और ऐसे ही बेहतरीन वाले नए नए व्लॉग में ऐसा नया नया लाते रहेंगे, तो प्लीज़ डू सपोर्ट, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, जो भी अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव है जो लोग हेलमेट नहीं पहनते और इनको ये आपको लगता है कि ये वीडियो इनको देखना चाहिए तो उनके साथ शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, उनसे भी सब्सक्राइब करवाना। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।